बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, और आज हम बना रहे हैं ऑमलेट टोस्ट। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। तो इसको हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे, एक के 2 पीस कर लेंगे हम बीच में से, बस इसको काट लेना है हमने। तो ये हो गए रेडी, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब तो यहाँ पे हम ऑमलेट को प्रिपेयर करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैं 2 लार्ज साइज़ के अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मीडियम साइज़ के हों तो 3 ले लीजिएगा, स्मॉल साइज़ के हों तो 4 ले लीजिएगा। इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और इसमें सीजनिंग के लिए हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा बस नमक। तो नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, और ये हो गया मिक्सर हमारा रेडी। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पैन में डालेंगे 1 चाय का चम्मच मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड है, और इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ये तमाम प्रोसेस होगा। अब तैयार किया हुआ अंडे का मिक्सर को पोर करेंगे, तो सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डालेंगे, एक एक के हिसाब से, टोस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। तो ये तकरीबन मैंने आधा मिक्सर डाला है। इसको इस तरह से फैला देंगे हम, और अब हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो बिल्कुल हल्की आंच पे ये करना है। इसको हमने रख दिया इस तरीके से, तो ब्रेड के स्लाइसेस को हल्का सा कोट कर लेंगे अंडे के मिक्सर के साथ, और इस तरह से फ्लिप कर लिया। अब इसमें हम थोड़ी सी मिर्ची शामिल करेंगे। तो मैं कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। आप इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक काट के आप डाल दीजिए, या फिर काली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। और ये हमने स्प्रिंकल कर दिया है इसमें। अब ये मेरे पास है टर्की का स्लाइस, जो कि ब्रेड स्लाइसेस आते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें सिर्फ टमाटर लगा सकते हैं। अब ये है मेरे पास टोमेटो केचप, एक तरफ हम ये लगाएंगे, और इसमें हम लगाएंगे चीज़ का स्लाइस। तो मैं चेडर चीज़ का सैंडविच वाला स्लाइस लगा रही हूँ। इसमें आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप कर लीजिए। अब इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे चारों तरफ से। ये देखें बिल्कुल एनवलप की तरह मैंने इसको लपेट दिया है। अब इसको हम मज़ीद फोल्ड कर देंगे इस तरीके से उठा के। तो ये फोल्ड कर लिया है, इसको हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे, ताकि हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाए, टर्की भी सिक जाए, और अंदर से जो अंडा हमारा हल्का सा कच्चा है वो भी पक जाए। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं बिल्कुल ही हल्की आंच पे कर रहे हैं, और इस तरह से दबाते हुए हमने इसको बस ऑलमोस्ट सेक लिया है, और इसमें थोड़ा सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही मज़ेदार है। और ये इतना हैवी है कि एक फर्द के लिए ये काफ़ी रहेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, आप एज ए स्नैक मिल के तौर पर भी इसको खा सकते हैं, और बहुत मज़े का है ये। तो ये टोस्ट हो गया है हमारा रेडी, इसको हम निकाल लेते हैं, और ये देख सकते हैं क्यूट सा हमारा पैकेट बनके तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ आपको उसके अंदर का काट के लुक। तो ये देख सकते हैं कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट है, और बाहर से हल्का हल्का सा ऊपर से जो इसकी लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी सी है, और बहुत ही मज़ेदार सा ये ऑमलेट बनके तैयार हुआ है, और बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। और ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल पक गया है, बिल्कुल सिक गया है, और चारों तरफ से ये इवन कलर में आया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।